हाय एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पेबैक पीरियड मेथड। एंड पेबैक पीरियड मेथड एक टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की। एंड एज आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन वीडियो कि कैपिटल बजटिंग के अंडर हम आउट ऑफ डिफरेंट अवेलेबल प्रोजेक्ट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि बेस्ट वन जो होता है उसमें से उसको हम सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस, उस बेस्ट वन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सो उसमें से ही एक है पेबैक पीरियड मेथड। एंड वन बाय वन हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स को भी पढ़ेंगे। एंड ये जो सारी टेक्निक है गाइस, ये बेस्ड हैं ऑन आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि उस प्रोजेक्ट में हम जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, एंड कितना उसमें से हमें रिटर्न आने वाला है इन द अपकमिंग ईयर्स। सो गाइज, दिस मैथड रिप्रजेंट्स द पीरियड विच इज़ रिक्वायर्ड टू गेट बैक द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई एनुअल सेविंग्स। सो गाइज, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा आउटफ्लो एंड एनुअल सेविंग हमारी हो जाएगी इनकम। सो यहाँ पर जो हमारा आउटफ्लो है एंड इनफ्लो है, उसके बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि कितने पीरियड के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेंगे। यानी कि जो भी हमने उसमें पैसा लगाया है, एक्सपेंडिचर किया है, वो कितने साल में या कितने महीने में हम वापस पा सकते हैं। सो पेबैक पीरियड मेथड के अंदर हम उसी पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। एंड गाइस, अब बात करते हैं कि पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। एंड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। पहली आती है व्हेन सेविंग्स आर इवन, एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है व्हेन सेविंग्स आर नॉट इवन। सेविंग्स आर इवन का मतलब ये है कि हमें हर साल सेम इनकम होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फर्स्ट ईयर में 50,000 इनकम हुई है, तो सेकेंड ईयर में भी 50,000 होगी, थर्ड ईयर में भी 50,000 होगी, एंड आगे जितने भी ईयर है सब में 50,000 ही इनकम होगी। एंड व्हेन सेविंग्स आर नॉट इवन का मतलब ये है कि डिफरेंट इनकम हमें हर साल होगी। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में 50,000 है, तो सेकेंड ईयर में 70,000 हो सकती है या फिर 40,000 हो सकती है, थर्ड ईयर में 1,00,000 भी जा सकती है या फिर 90,000 भी जा सकती है। यानी कि वो डिफरेंशिएट होती रहती है। सो गाइस, जब हमारी सेविंग्स इवन होंगी तो हमें डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना है, एंड जब सेविंग्स इवन नहीं होंगी तो हमें एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना है। एंड जिस किसी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे कम होता है, हम उसे ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी उसने एक्सपेंडिचर किए हैं, उसे जल्द से जल्द रिकवर करना चाहता है। सो सबसे जल्दी जिस प्रोजेक्ट में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कवर कर सकते हैं, हम उसे ही सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा पहला फार्मूला है, दैट इज़ NI डिवाइडेड बाय OS। NI का मतलब है नेट इन्वेस्टमेंट, एंड OS का मतलब है ऑपरेटिंग सेविंग्स। सो ये फार्मूला हमारा तब अप्लाई होगा जब सेविंग्स हमारी इवन होंगी। एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग सेविंग्स को हम कैश इनफ्लो भी कह सकते हैं। ये वाला फार्मूला गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी नेट इन्वेस्टमेंट लिखनी होती है, यानी कि जो हमने एक्सपेंडिचर किया हुआ है या फिर जो एक्सपेंडिचर हमें करना है उस एसेट को ख़रीदने के लिए, वो अमाउंट हमें लिखनी होती है, एंड देन उसे डिवाइड करना होता है कैश इनफ्लो से। यानी कि जो भी हमारी सेविंग्स होंगी इन द अपकमिंग ईयर, एस्टिमेटेड सेविंग्स, उससे हम डिवाइड करते हैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को। सो यहाँ पर हमारा पेबैक पीरियड कैलकुलेट हो जाता है। एंड गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सेविंग्स आर बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस। सो यहाँ पर इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सेविंग्स जो हम कैलकुलेट करेंगे गाइज, वो होगी आफ्टर टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस उसमें से माइनस करने के बाद की जो सेविंग्स है हम उसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। यानी कि गाइस, जो भी हम आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें वापस से जो हमने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पहले माइनस किया होगा, उसको हमें वापस से ऐड बैक करना होगा, तभी वो हमारी कैलकुलेट होंगी ऑपरेटिंग सेविंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस। एंड गाइस, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि ऐसा क्यों होता है एंड कैसे हमें ये कैलकुलेट करना है, वो भी हम आगे क्वेश्चंस में अभी करेंगे।
पहले हम इसका सेकंड फार्मूला देख लेते हैं, एंड ये हमारा तब अप्लाई होगा जब हमारी सेविंग्स जो हैं वो इवन नहीं होंगी। सो यहाँ पर हमारा फार्मूला है पे बैक पीरियड इक्वल्स टू ई प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। गाइज यहाँ पर ई बी और सी का क्या मतलब है अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे एंड वहाँ पर हम ये सीखेंगे कि ई क्या है, बी क्या है और सी क्या है, यानी इन्हें कैसे कैलकुलेट करना है। सो गाइज अब हम इन दोनों ही फार्मूले से रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन टर्म्स का क्या मतलब है एंड कैसे इनमें हमें क्वेश्चंस को रखना है एंड कैसे सॉल्व करना है। सो गाइज लेट्स डू द एग्जाम्पल्स। सो गाइज अब हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारी जो सेविंग्स हैं दैट आर इवन एंड जो सेकेंड एग्जाम्पल है वहाँ पर हमारी सेविंग्स आर नॉट इवन। सो जब सेविंग्स इवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एंड जब सेविंग्स इवन नहीं है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब हम दोनों ही फार्मूले से वन बाय वन एग्जाम्पल्स करते हैं। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्लांट हमें दी हुई है 15 लाख, लाइफ ऑफ प्लांट दिया हुआ है 10 ईयर्स, सालवेज वैल्यू ऑफ द प्लांट इज ₹1 लाख, एनुअल अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज ₹2 लाख, एज्यूम टैक्स रेट 40%। गाइज अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर हमें एनुअल जो अर्निंग दी हुई है वो दी हुई है 2 लाख, एंड कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर में कोई इंक्रीज है या डिक्रीज है, सिर्फ एक ही अर्निंग दी हुई है दैट इज 2 लाख। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो इवन है, यानी कि हर साल हमें सिर्फ 2 लाख की ही अर्निंग हुई है। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास है एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि यहाँ पर जो हमें अर्निंग दी हुई है वो हमें दी हुई है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, एंड हमें कैलकुलेट करनी होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, यानी कि हमें आफ्टर टैक्स वाली अर्निंग्स को कैलकुलेट करना है, एंड यहाँ पर हमारा टैक्स जो है वो अर्निंग्स में इंक्लूड है तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। गाइस ऑपरेटिंग सेविंग्स और अर्निंग दोनों एक ही चीज़ है। ऑपरेटिंग सेविंग्स यानी कि जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वहाँ पर, उससे होने वाले अर्निंग को हम ऑपरेटिंग सेविंग्स कहते हैं, दैट इज सेम एज अर्निंग्स। ओके सो गाइस सबसे पहले हमें ये नोट ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेट करनी होगी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट जैसा कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखना है। सो गाइस सबसे पहली चीज़ है कि हम जो अर्निंग्स हैं उनको लिख लेते हैं दैट इज़ 2 लाख, एंड उसके बाद हम उसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। एंड गाइस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस्ट माइनस सालवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है जो भी हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है 15 लाख का, माइनस सालवेज वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सालवेज वैल्यू गाइस वो होती है कि जब हमारा जो एसेट है वो किसी काम का नहीं रह जाता, ऑब्सोलीट हो जाता है, तो उस टाइम पे जब हम उसे बेचते हैं तो हमें उसमें से कुछ पैसा तो रिसीव होता है। सो वहाँ पर जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि हमें इससे इतना पैसा बेचने पर मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं सालवेज वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी हम एसेट परचेज कर रहे हैं उसकी क्या लाइफ है, यानी कि कितने साल तक वो हमारे लिए काम करेगी, उससे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं इसको। सो गाइस यहाँ पर हमने 15 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमें कैलकुलेट हो जाएगा 1,40,000। सबसे पहले 15 लाख में से 1 लाख को माइनस करना है तो हमारा 14 लाख आ जाता है, एंड देन डिवाइड करेंगे उसे 10 से तो हमें मिल जाएगा 1,40,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हम अर्निंग्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास गाइज यहाँ पर बच जाता है 60,000। सो यहाँ पर हमारी अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है, एंड हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। इसलिए अब डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया है तो हम टैक्स को यहाँ से माइनस कर लेंगे, एंड हमारा टैक्स रेट दिया हुआ है यहाँ पर 40%, राइट? तो 60,000 का 40% जो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 24,000,
यानी कि इस 60,000 की अर्निंग पर हमें 24,000 एज टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हमारे पास गाइज अर्निंग बच जाती है 36,000। सो ये गाइज हमारी हो गई अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड गाइज ये बात याद रखने वाली है कि लास्ट में हमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना होता है, जैसा कि हमारे इस नोट में मेंशन किया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमें डेप्रिसिएशन माइनस किया है वो एक्चुअल में हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं हुआ है, वो हमारा स्टार्टिंग में ही एक्सपेंस हो गया था जब हमने एसेट को परचेज किया। सो यहाँ पर हम दोबारा से कोई मनी पे नहीं करते हैं, लेकिन बिफोर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इट इज़ कंपल्सरी टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। सो इसलिए हम टैक्स निकालने से पहले डेप्रिसिएशन को माइनस तो कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कैश जा चुका है, ये कैश अभी भी हमारे पास होता है, इसलिए हम इसको वापस से ऐड कर लेते हैं ताकि हम एग्जैक्ट ये कैलकुलेट कर पाएँ कि हमारे पास एक्चुअल में कितना इनफ्लो हुआ है। सो यहाँ पर 140,000 डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद हमारी जो टोटल अर्निंग आएगी वो आएगी 176,000। सो ये जो हमारी गाइज अर्निंग कैलकुलेट हुई दैट इज़ बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, यानी कि यहाँ पर हमने टैक्स भी माइनस कर दिया और वापस से डेप्रिसिएशन ऐड बैक भी कर दिया। सो यहाँ पर इस तरह से हमें ऑपरेटिंग सेविंग्स को कैलकुलेट करना होता है। एंड गाइज अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, दैट इज़ पे बैक पीरियड इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग सेविंग्स। गाइज यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है 15 लाख का, क्योंकि जो कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट की है यानी कि जो प्लांट की जो कॉस्ट है दैट इज़ 15 लाख। सो यानी कि हमारा उतना ही इन्वेस्टमेंट भी होगा। सो डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सेविंग्स, ऑपरेटिंग सेविंग्स हमें कैलकुलेट करनी होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। सो इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे 15 लाख को, तो हमें मिल जाएगा हमारा पे बैक पीरियड। सो गाइज इस तरह जब हमारी सेविंग्स इवन होंगी तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। एंड इस नोट को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट हम करते हैं व्हेन सेविंग्स आर नॉट इवन वाला, हमारी सेविंग्स इवन नहीं होंगी तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ ई प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। गाइज इसको भी एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ The management of Vishnu Limited has proposed to invest ₹1 lakh in a project which will give earnings for 6 years as follows: year 1 ₹30,000, year 2 ₹20,000, year 3 ₹20,000, year 4 it's 18,000, year 5 it's 18,000 and year 6 12,000. Calculate payback period. गाइज अब इस क्वेश्चन में जो हमें अर्निंग्स दी हुई हैं वो हर साल डिफरेंट है, फर्स्ट ईयर में 30,000 है, सेकंड ईयर में 20,000 है, एंड जो जितने भी हमें 6 इयर्स दिए हुए हैं हर ईयर में हमारी जो सेविंग्स है दैट इज़ डिफरेंट। एंड गाइज यहाँ पर भी हमें इस नोट का ध्यान रखना होता है कि हमें जो सेविंग्स कैलकुलेट करनी है वो करनी होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, लेकिन यहाँ पर हमें टैक्स रेट दिया ही हुआ नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सेविंग्स को लेकर कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर भी देते हैं, ऐड बैक भी कर देते हैं, तो इससे कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। सो अब एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाने होंगे, फर्स्ट कॉलम में हम ईयर्स लिखेंगे, सेकेंड ईयर में हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सेविंग्स जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एंड उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी होती है क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग सेविंग्स। गाइज इस तरह से ईयर और ऑपरेटिंग सेविंग्स को लिखने के बाद हमें क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग सेविंग्स कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट ईयर की क्यूमुलेटिव सेविंग्स हैं 30,000, एंड उसके बाद हमें जो भी नेक्स्ट ईयर में होने वाली सेविंग्स हैं उनको ऐड करते जाना होता है, लाइक 30,000 प्लस दिस 20,000 इक्वल्स टू 50,000। तो सेकेंड ईयर की हमारी क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग सेविंग आ जाएगी 50,000। सो यहाँ पर हमारी थर्ड ईयर की जो ऑपरेटिंग सेविंग्स आ जाएगी दैट इज़ 70,000। सो अगेन हम इस ईयर में भी इसी तरह से इन सेविंग्स को ऐड कर देंगे तो हमारी ये क्यूमुलेटिव सेविंग्स आ जाएंगी, एंड यहाँ पर भी हमें सेम यही करना है। सो इस तरह से गाइज हमें कैलकुलेट करनी है क्यूमुलेटिव सेविंग्स। क्यूमुलेटिव सेविंग्स कैलकुलेट करने के बाद गाइज हमें फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ ई प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। एंड अब ये बताते हैं कि ई के प्लेस पर क्या आना है, यहाँ पर 4 इयर्स लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है,
क्योंकि गाइज हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख की। ओके, सो 1 लाख हमारा यहाँ पर कौन से ईयर में कवर हो जाएगा ये हमें देखना है। तो 1 लाख हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, राइट, यहाँ पर 88,000 तक की अर्निंग हो जाएगी। एंड जब हम 5th ईयर में आएंगे तो हमारी 1 लाख की अर्निंग कवर हो जाएगी, राइट। सो इस ईयर से जस्ट 1 साल पहले का हमें यहाँ पर लिखना है 4 ईयर्स। 5वें साल में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कवर कर लेंगे, बट यहाँ पर हमें 1 ईयर कम करके लिखना होता है 4 ईयर्स। देन प्लस बी का एग्जाम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से माइनस करते हैं इस 4th ईयर की जो क्यूमुलेटिव सेविंग्स हैं उसको। तो हमारा कैलकुलेट हो जाता है बी 12,000 हो जाएगा। एंड उसके बाद जो लास्ट ईयर यानी कि जो 5th ईयर की जो सेविंग्स है क्यूमुलेटिव सेविंग्स, उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं 4th ईयर की क्यूमुलेटिव सेविंग्स को। सो ये हमारा आ जाता है सी 18,000। एंड गाइस यहाँ पर आप इनटू 12 लिखें या ना लिखें यह आपकी मर्जी होती है। मेनली फॉर्मूला ई प्लस बी डिवाइडेड बाई सी ही होता है, बट गाइस यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने पर हम यहाँ पर मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम 12,000 डिवाइडेड बाई 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मंथ में कैलकुलेट हो जाता है। सो 4 ईयर्स पूरे पूरे हो जाते हैं एंड जो ये हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा मंथ में आ जाता है। सो अगर हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करते हैं लाइक 12,000 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 12 इक्वल्स टू 7.9, इसको हम राउंड ऑफ करके 8 लिख सकते हैं, यानी कि 8 मंथ। तो 4 ईयर्स एंड 8 मंथ हमें लगेंगे इसको रिकवर करने में। सो गाइस इसी तरह से हम इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है कि हमारी सेविंग्स इवन है या फिर नॉट इवन है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूले लगाने हैं एंड देन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही वो अमाउंट कैलकुलेट करना है। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि हमें जो सेविंग्स कैलकुलेट करनी है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन हो बट आफ्टर टैक्स हो। सो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर हमने दो बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे सो वहाँ पर हम इससे थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए अगर अभी भी कोई डाउट है तो। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।